5,400 नियुक्ति पर, 6,605 वर्ष की सेवा अवधि पर, 7,610 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर, 8,715 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर और 8,930 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा निर्णय आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है, इस पर कैबिनेट की मोहर लगी है और ये हमारे चिकित्सकों के भविष्य के लिए दूरगामी परिणाम देगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और बड़ा निर्णय लिया है। विगत दिनों उनके सामने एक बात आई थी कि जो हमारे प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना में जो रसोइये कार्यरत हैं उनको केवल 2,000 रुपये मानदेय मिलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले घोषणा की थी कि इसको बढ़ाकर 4,000 रुपये किया जाएगा। आज कैबिनेट ने ये निर्णय लिया है कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत जो रसोइये कार्य में लगे हैं उनको 4,000 रुपये प्रति माह का मानदेय दिया जाएगा और इससे लगभग 714 करोड़ रुपए की स्वीकृति आज कैबिनेट ने दी है। इससे वो रसोइये जो मेहनत के साथ प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना को नीचे तक निष्पादित करते हैं उनके लिए एक बड़ी राहत दी गई है। विगत दिनों लाडली बहना योजना की से जुड़ी हुई बहनों को सावन के महीने में रसोई गैस 450 रुपये देने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी। वो जो सावन के महीने में जो बहनों को 450 रुपये में गैस कनेक्शन देना और उसकी जो बची हुई राशि है उसको सब्सिडी के रूप में सरकार द्वारा वहन करने की आज यहाँ उसके निर्णय को कैबिनेट ने पारित किया है। केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत बांध के डूब प्रभावित जो हमारे गांव हैं और जो रहवासी हैं उनके लिए आज बड़ा निर्णय लिया गया है। उसके 22 ग्राम जो है वो प्रभावित हुए हैं, उसमें लगभग 6,700 परिवारों को विशेष पैकेज आज ही कैबिनेट ने दिया है। आज यही निर्णय कैबिनेट द्वारा लिए गए हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के तहत अब लाखों वो परिवार जो कि आवासहीन हैं उनको आवास मिलेगा और उसके साथ ही अन्य योजना के तहत भी जो कैबिनेट में निर्णय लिए गए हैं उस तहत मध्य प्रदेश की आम जनता को लाभ मिलेगा। धन्यवाद।